इस कार्यक्रम की सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक और वास्तविक दोनों हैं। अगर किसी भी जीवित मृत भूत पिशाच चुड़ैल जिन या नेता से इनका कोई लेना देना होता है तो इसे बहुत सीरियसली ना लिया जाए। कार्यक्रम का मकसद सिर्फ आपको गुदगुदाना है और अनजाने में अगर किसी का दिल दुखता है तो बढ़िया चिकित्सक से इलाज करवाएं। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। अकड़ बांबू चकड़ बांबू, सीधा खड़ा ना हो पाना सीधा खड़ा हो जाना, नींद ना जाना नींद ना आना, भूख लग जाना भूख ना लगना, कांग्रेस को वोट तो ना बीजेपी को वोट ना देना, बीजेपी को वोट देना कांग्रेस को वोट ना देना, परिवारवाद करना परिवारवाद ना करना, परिवारवाद ना करना परिवारवाद करना, सीधा खड़ा होना सीधा ना खड़ा हो पाना, सीधा खड़ा ना हो पाना सीधा खड़ा हो जाना, सब कुछ का इलाज इधर होगा। आपको कोई दिक्कत है हर इलाज हम करेंगे। नमस्कार, हम अभिषेक भारती, मेरा उल्टा चश्मा देख रहे हैं आप, और आज राजनीति का उल्टा चश्मा हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आज एक बहुत बड़े बाबा से आपको मिलाएंगे। बाबा बाबा, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। बाबा आपका नाम क्या है? लोग हमको प्यार से बोलते हैं पात्रो चुचुस्की। क्या बोलते हैं? पात्रो चुचुस्की। पात्रो चुस्की, बड़ा गजब नाम है बाबा आपका। चलिए बहुत पहुंचा हुआ बाबा, हम बता रहे हैं, हम अभी देखे वो इंसान को मुर्गा बना दिए थे। ए बाबा, सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस का। चलिए ठीक है, आप कांग्रेस के साथ बहुत दिक्कत है, कांग्रेस के पीछे मोदी जी पड़ गए हैं। थोड़ा पतरा उतरा देख के पता है तो कांग्रेस का ऐसा स्थिति है। मंथन कर कांग्रेस के कांग्रेस में बहुत गरा गोचर चल रहा है। ऊपर से जो है ना केंद्र हेड से उनके ऊपर बड़का बड़का जिन लोग नाच रहा है पूरी गोपरी। कुछ जिन लोग का नाम बताइए तो है। बड़का बड़का अथी है, मोदी जिन, अमित शाह जी, बढ़िया योगी जिन, दिक्कत अच्छा देखे नाच मोदी जिन योगी जिन अमित शाह का गड़बड़ चल रहा है। अच्छा सुनिए ना बाबा, एगो काम करिए, हम ही को मान लीजिए कांग्रेस में, हम आपके सामने आ गए, हम ही कांग्रेस है, ठीक है? तो बाबा थोड़ा सा आप तो झाड़ते उड़ते हैं ना, हाँ क्या बाबा, हम आपका कोर छू ले थोड़ा सा, है ना, हम ही कांग्रेस है, झाड़ दीजिए बाबा, सरकार बन जाए, दक्षिणा देंगे, पैसा कम है लेकिन दक्षिणा देंगे। दक्षिणा नहीं लेते हैं तो क्या लीजिए, लेकिन ऐसे झाड़ दीजिए, दक्षिणा नहीं है तो दिन झाड़ शक्ति काम ही नहीं कर पाए ना। अच्छा खा लीजिएगा, फिर ऐसे ही आशीर्वाद और बस ऐसे ही बस, और कुछ नहीं ना, ठीक झाड़ दीजिए। ओम नमो आदेश, ओम नमो आदेश, गुरु गुरु गौर काजिक कुरान मुल्ला करवाए मर रेगर की गुण गौर धोमी की चुन गौर पेपर का पाव और आपके गौर बिखरता चल पर की गौर बैठाता चल वच का की वार जोता से सर पे कोट तो तजल पुन को मत करता चल भूत को पंडित को ताला को दुष्ट को मुष्ट चोट को खेत को मेले का धरने को उठ को बिल्कुल को हड़के को भिड़के को ऊपरी को पाए को बोतरी को डमनी के शियारी को बुतरी को खतरी को कड़वे को मनवे को उनको मत आया का को पूरा को सांस को कांस को मरे वक्त मिसाल को कुन कुन समसार का चिया वसार भुक्या वसार केटिया वसान चली चपड़ा को वसान नुगिया वसान इन्हीं को बनकर एड़ो के इन्हीं बनकर जागे जारी बनकर करके करे बनकर पेट की पीड़ा बनकर छाती के सिर बनकर सर के सीज बनकर चोटी चोटी बनकर नाड़ी बात तरम रमे कर पिंड देखल कर देश बंगाल कमल सराम से बड़ा कर मेरा कम से दिला करे तो गुलिस्ता आचना दे सब सच्चा फिर का अच्छा फिर वो दरी शर्वाचा। ओम नमः शिवाय पार्वती नमः नमः जे कनकानी कलकत्ते वाली मचन न जाए खानी सदबुद्धि दे दे सरकार बनेगा बन जाएगा सरकार बनेगा नहीं बनेगा तो बहुत मरेगा कांग्रेस। नहीं नहीं सरकार तो जनता तय करेगा, अभी तेरा देर हम क्या करवाए, तू जनता को सद्बुद्धि देगा, तू जनता तय करेगी, बैठ जाए ना ऊपर से जो दबाव दे रहा है आप बैठ जाइए, ऊपर से जो दबाव दे रहा है ना मुड़ी में धर के नाच रहा है मोदी जी योगी जी बड़का बड़का जी अमित शाह जी
सब ऊपर वाला का महादेव का शक्ति वाला है बाबा, इसीलिए पूरा नाच रहा है। एगो बात हम आपको बताते हैं, हम कांग्रेस जो है ना, हमारे झारखंड का एक आदमी को धोखा देती है, हम छाती पीट पीट के रोला। उसका नाम है रामटावल चौधरी, सांसद हो रहा। पहले हम आपको सुना दे रहे हैं कि रामटावल चौधरी जो है वो कैसे रो रहे हैं, समझे? हमको क्या देख रहे हैं आप, रामटावल चौधरी को सुन लीजिए, उसके बाद बाबा से हम इलाज करवाते हैं रामटावल बाबू का। नहीं तो नहीं, जहाँ उपयुक्त जगह मिलेगा तभी चुनाव लड़ा जाएगा, नहीं तो ऐसे चुनाव लड़ने से कोई लाभ नहीं। तो ये भीतर भीतर छः महीना से बात होता था कि बीच में हमारे यहाँ कांग्रेस वाला आए, आप इधर उधर मत जाइए, हम लोग कांग्रेस में बात करते हैं। अब भाई कांग्रेस में तो आपके बीच में पहले से हैं कैंडिडेट, बीच में हमको कहाँ से स्वीकार करेगा नहीं करेगा, नहीं उसकी चिंता मत कीजिए। चूँकि सीट जीतना है उसी हिसाब से पार्टी तय करेगा। तो फिर छः महीना से लोग बातचीत करते रहे, हम किसी के यहाँ नहीं गए, बातचीत करते हैं हम कि जब अंतिम आप समझ में आ जाएगा कि हमको ज्वाइन करना है, और चुनाव ज्वाइन करने का मतलब हम किसी का झंडा ढोने के लिए तो नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे कर लीजिए। तो हम तो ज्वाइन कर लिए, रविंद्र पांडे जी थे, तो रविंद्र पांडे थे तो धनबाद में बहुत भीड़ थी, इसीलिए उनको कहा कि एक आदमी और आ जाएगा तो और संख्या बढ़ जाएगा, इसलिए उनको ज्वाइन नहीं करवाया। तो ज्वाइन करवाया गया, उसमें मीडिया के लोग, दिल्ली के लोग भी काफ़ी सहयोग किया, बात किया, और फिर ज्वाइन करने के ज्वाइन जब करवाया गया तो सभी लोग आश्वस्त हो गए। आपसे मीडिया से लेकर के इस झारखंड में जितने लोग हैं, झारखंड मतलब अपने लोकसभा क्षेत्र में, इसके बाहर भी लोगों को बड़ा प्रसन्नता हुई, और ऐसा माहौल, हम चुनाव बहुत लड़े मगर ऐसा माहौल नहीं देखे थे। हर वर्ग, हर समाज, हर तरह के लोग, चाहे ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो, चाहे मीडिया के लोग हैं, तो आज आप लोग के सामने ये घोषणा कर रहे हैं कि हम जो कांग्रेस में गए थे वो कांग्रेस से वापस लेते हैं और कांग्रेस छोड़ते हैं, ये घोषणा हम आपके बीच में करने आए हैं। सुने रामटावल चौधरी को तो देख रहे, कांग्रेस तो धोखा दे दिया, अभी रामटावल चौधरी का भी बदुआ लगेगा, उसको कैसे काटिएगा, सरकार कैसे बने? अभी तो लग रहा है थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, लेकिन आने वाला 5 साल के बाद देखिएगा कैसा होगा, 5 साल के बाद मजबूती आएगा। राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री? राहुल गांधी जी को तो थोड़ा सा हिस्ट पुष्ट रहना पड़ेगा अभी, मैंने मतलब है कि दाढ़ी उड़ी अभी काला रखना पड़ेगा 5 साल तक, पकने नहीं देना है बढ़िया से, नहीं पकने देंगे ना तो इनका पक के, हाँ तो उसको करिया करके रखना पड़ेगा। तू अभी 5 साल बाद देखिएगा, फिर आ जाएंगे, आएंगे जवान रहेंगे तो, हाँ जवान रहेंगे तो पटरी में लाइन बिछेगा। देखो आपके नाम क्या बताए थे? हमारा नाम तो पात्रो चुचुस्की है। पात्रो चुचुस्की, ये बाबा मान लिया कि हम राहुल गांधी, एक बार झाड़ दीजिए तब हमें आप जवान बनल रहने के लिए। हम सब आपके सेवक हैं। बहुत को बने आ रहे जो छोट को बने मिलने का दरबार पर उनको प्राय बुद्ध मेरी इच्छा रहे बुद्ध बुद्ध मेरा तापस हमारे विषय को उनके समय तक जाए विषय उन्हें कहते हैं उन्हें चपड़ा बने हैं यह विषय उधर भी जान दरबार है जो विषय बेच विषय चली बोल उन्हारे तरह वो घर बुद्ध करने मिला बुद्ध सारा सामने पर पहन जाए विषय आया बुद्ध मेरे उत्तर विषय हो जा ओनेस शाह कहाँ पर आए हो गैस जी चलो ठीक है हो जाएगा ठीक है ना वही है खाल पिया का असर होगा ठीक है देख रहे हैं भाई तन मंत्र पढ़ दिए पेट में बुढ़ा आना है ठीक है। ए बाबा तो मैंने ये तो आप ठीक बोल रही है, अब आते हैं मोदी जी, समझे आप ही उनको कुछ किएगा, सत्य नहीं छोड़ रहे हैं, बुढ़ाई हो नहीं ना, दाढ़ी पक जा रहा है, बाल पक जा रहा है, तब वो कहते हैं हम 3 में 26 घंटा साधना किए हम भाई जी, ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हैं, बाबा ब्रह्मचारी बन गए
बजरंग बली का साथ मिल रहा है, इसीलिए बजरंग बली वाला दिन बाबा बन गए। आए बाबा, ये तो आप एकदम ठीक बात, तुम्हारे फिर से थमेंगे मोदी जी। तो उनका कैसे फिंगर टाइट है, मांगा टाइट है ना, टाइट है। आप ही उनका यह गावन सो आप ही? नहीं नहीं, हम काहे करेंगे, हम तो बस आपका चेला लो। हम सो देखिए करता है, करता है चेला लो करता हूँ ना मोदी जी, लेकिन हम टाइट है जानते हैं। राहुल गांधी जब बोलते हैं तो मजा ना, मोदी जी माई और मानो जब करते हैं ना, मित्रों करते हैं ना, माहौल एकदम टाइट हो जाता है, समझे। अच्छा एक और बात करते हैं, हमारी वो भाभी भैया जेल में, तो भाभी बोल रही है कि चुनाव लड़ेगी, ठीक है मैंने, लेकिन भाभी का ग्रह नक्षत्र हमको ठीक नहीं लग रहा है, चुनाव तो जीत जाएगी लेकिन घर वाला जो है ना तो सब गड़बड़ा रहा है, समझे। तो भाभी के लिए कुछ कर सकते हैं, हमको भाभी का मदद, भाभी हमको बहुत मतलब हमको मानती है, समझ। थोड़ा देखिए ना घर भाभी का, भैया जेल में, भैया जेल में बाबा, भैया थोड़ा क्या बनी हेड केंद्र हेड तरफ से उनको बुला बुला के तो भीतरे दे दिए हैं, अब रह गए उनका परिवार, तो परिवार उनको लग रहा है अभी तो सत्ता में आ जाएंगे, वहाँ से जहाँ से वो खड़ा रह रहे हैं होने वाले हैं सत्ता में आ जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे उनका सब ठीक हो जाएगा है ना, 5 साल के अंदर में सब। भाभी के लिए कुछ कर दीजिए, झाड़ फेजी से करिए ना, दुआ करिए ना, स्वाहा स्वाहा कर दिए हैं, हो गया ना। भाभी आज क्या बोली है सुना दे सबको। हाँ सुना दे, ठीक भाभी क्या बोली है एक बार सुनाइए। चलिए ठीक है, हम तुमसे भावुक हो रहा है, आँखों को लोर मार गया है, सुनाइए भाई। एक पिता के रूप में मेरे ससुर जी आज उनके आंसुओं के साथ मेरी सासू माँ जो बहुत ही बीमार वृद्ध हो चुकी है, वो भी बहुत आहत और परेशान है। मैंने सोचा था कि मैं अपने आंसू को रोक लूंगी, लेकिन आप लोगों का रास्ते भर से प्यार देखकर, आपका स्नेह देखकर आज मुझे वही ताकत मिल रही है जो मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। अरे जेल का ताला टूट जाएगा,